नो बेबी नो जापान, ऐसा कहा है जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की सलाहकार मास्को मोरी ने। और मास्को मोरी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जापान का बर्थ रेट लगातार गिर रहा है, और अगर यह बर्थ रेट इसी तरह गिरता रहा तो जापान की इकोनॉमी चकनाचूर होने में देर नहीं लगेगी। और तो और जापान ने लोवेस्ट बर्थ रेट का रिकॉर्ड भी छू लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जापान का नाम दुनिया के मैप से गायब होने में टाइम नहीं लगेगा। और 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जापान में डेथ रेट बर्थ रेट से दोगुना हो चुका है। जहां जापान में 8 लाख से कम बच्चों ने जन्म लिया, वही 1.58 मिलियन लोगों की मौत हुई। अगर जापान की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो यह 124.6 मिलियन है, जिसमें से 50% पॉपुलेशन 50 साल की एज को पूरी कर चुकी है। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि जापान की आधी जनसंख्या बूढ़ी हो चुकी है, जिसका सीधा मतलब निकलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर जापान को ना तो आर्मी के लिए सोल्जर्स मिलेंगे और ना ही काम के लिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, और ना ही यह वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेगा। और इस घटती बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए जापानी प्रधानमंत्री इसके लिए कई स्कीम भी निकालने वाले हैं, जिससे जापान का बर्थ रेट बढ़ सके। और यूनाइटेड नेशन ने पॉपुलेशन को स्थिर रखने के लिए एक रेशियो निर्धारित किया है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग अगर एक महिला अपने प्रजनन काल में 2.1 बच्चों को जन्म दे तो इस दुनिया की जनसंख्या स्थिर रहेगी, मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी। जबकि जापान में फर्टिलिटी रेट 1.4 है, जो कि स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट से 0.7 कम है। बहुत टाइम से आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा तो क्या हुआ कि जापान की जनसंख्या घटने लगी, तो चलिए हम इसके कारणों को समझते हैं। रीजन फर्स्ट, लिव इन रिलेशनशिप है। एक्चुअली जापान में लड़के लड़कियां शादी नहीं कर रहे, बल्कि शादी की जगह लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद कर रहे हैं। साल 2020 में 25 से 29 साल की 66% लड़कियों ने शादी नहीं की, वहीं 30 से 34 साल की 39% लड़कियों ने शादी नहीं की, केवल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। और जापान की मोस्टली लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, और इसके पीछे का कारण है जापान में वुमेन एम्प्लॉयमेंट है। जापान में 53% महिलाएं जॉब करती हैं, और वह शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनकी देखभाल करना, घर संभालने को बोझ समझती हैं। रीजन सेकंड है जापान की महंगाई। जापान में इंडिया के मुकाबले 1.5 टाइम्स ज्यादा महंगाई है, क्योंकि यहां पर खाना, रहना, पहनना सब कुछ कॉस्टली है, जिस कारण यहां पर घर चलाने के लिए वुमेन और मैन दोनों को काम करना पड़ता है। हां, जापान की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए जापान को महंगाई को थोड़ा कम करना पड़ेगा, जिससे घर का मुखिया ही घर खर्च चला सके और उन्हें घर में थोड़ा सा टाइम भी मिल सके।